हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आपके लिए क्वेश्चन लेके फिर आए हैं। ये क्वेश्चन इस बार के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि दो समांतर स्पर्श रेखाओं के स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। ठीक है, आपको ये सिद्ध कर देना है कि सिद्ध करें कि दो समांतर स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाला रेखाखंड वृत्त का व्यास होता है। मान लीजिए मैंने एक आपको एक वृत्त खींचा, ठीक है, एक मैंने एक वृत्त खींचा, ठीक है, ये इसका केंद्र है। वृत्त पर मान लीजिए एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श कैसा है? समांतर रेखा है। स्पर्श रेखा कैसा है? समांतर रेखा है। ठीक है, मान लीजिए ये दोनों क्या है? स्पर्श रेखा है। दोनों क्या है? आपस में समांतर है। इसका नाम मान लीजिए दे देते हैं ए बी। ये ए बी स्पर्श रेखा है, इसका नाम देते हैं सी और डी। ठीक है, ये दो स्पर्श रेखा है, दोनों समांतर है। ठीक है, दो समांतर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली, ये केंद्र है, स्पर्श बिंदु को जोड़ने वाली, स्पर्श बिंदु एक ये है और एक ये है, इसका नाम देते हैं P स्पर्श बिंदु, इसका नाम देते हैं Q। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसको जोड़ने वाली रेखा, इसको जब जोड़ेंगे, मान ली इसको यहाँ से जोड़ते हैं, जोड़ने वाली रेखा ये क्या है? वृत्त पर व्यास है। आपको यह सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, केंद्र ओ है। ठीक है, आपको ये दिखाना है। पहले आपको जो दिया है उसको लिख लेते हैं। ठीक है, आपको ये रेखा और ये रेखा समांतर है, मैंने ए बी समांतर सी डी आपको दिया है। ठीक है, आपको सिद्ध क्या करना है वो लिख लेते हैं। पहले सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है आपको? देखिए ये ओ पी और ओ क्यू यही दोनों यही ना इसको जोड़ता है ना, तो आपको यह दिखाना है। ये जो है ना पी क्यू, ये पी क्यू जो है एक व्यास है कि नहीं। ठीक है, आपको यही सिद्ध करना है, मतलब आपको दिखाना है पी क्यू जो है ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर है कि नहीं। ठीक है, आपको यही सिद्ध करके दिखाना है। चलिए देखिए, जब आप स्पर्श रेखा पर या वृत्त पर कोई त्रिज्या होता है तो वहाँ पे एक लंब होता है। ठीक है, 90 डिग्री का कोण बनता है। यह भी 90 डिग्री का कोण है, यह भी 90 डिग्री का कोण। ठीक है, पहले कोण को लिख लेते हैं। ठीक है, देखिए कोण जो है, ये कोण जो है ना ए पी और ओ। ठीक है, ये कोण जो है कोण ए पी ओ, ठीक है, के बराबर है। ये कोण कौन सा कोण है, ये देख लीजिए, इसके बराबर ये कोण है। ये कोण क्या है? डी क्यू ओ है ना, ये दोनों कोण आपस में क्या बराबर है? कोण डी क्यू ओ कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ठीक है, चलिए एक कोण आपको और देखते हैं। देखिए कोण ये जो पी है और कोण जो क्यू है क्या बराबर है? ठीक है, वही हम लिखते हैं, इधर भी बराबर, ये भी कोण बराबर होगा। ठीक है, तो कोण बी पी ओ के बराबर कौन सा कोण है? कोण बी पी ओ, मतलब ये कोण के बराबर क्या होगा? ये कोण बराबर होगा, वही लिखते हैं, कोण सी क्यू ओ के बराबर है। ये दोनों क्या डिग्री है? 90 डिग्री है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए ओ पी और ओ क्यू वृत्त का क्या है? त्रिज्या है। ओ पी और ओ क्यू वृत्त की त्रिज्या है। क्या है? त्रिज्या है। ठीक है, क्यों त्रिज्या है बता देते हैं आपको, लिख देते हैं क्यों, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा के 90 डिग्री का कोण बनाती है। अभी आपको बताए थे ना 90 डिग्री का कोण बनाती है, वही लिखे हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए जो ये 90 डिग्री कोण बनाती है तो देख लीजिए क्या होगा, ये ओपी जो है, ओपी और ओक्यू आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ओपी के बराबर क्या होगा? ये ओक्यू होगा, है ना। देख लीजिए ओपी के बराबर क्या होगा? ये ओक्यू होगा। ये त्रिज्या है तो त्रिज्या हमेशा वृत्त में बराबर होता है ना, यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या है, ये केंद्र है, इधर भी त्रिज्या, ये ओपी त्रिज्या एक हो गया, एक ओक्यू त्रिज्या हो गया, दोनों क्या होगा? बराबर है। जब त्रिज्या जब बराबर है
तो जब त्रिज्या जब बराबर होता है तो दो त्रिज्या के बराबर क्या होता है, व्यास होता है ना, वही तो बता रहे हैं आपको। तो मतलब एक मिनट, सॉरी पी क्यू ए होगा, सॉरी पी क्यू के बराबर क्या हो जाएगा, ये ओ पी प्लस ओ क्यू। पी क्यू क्या हो गया, पी क्यू पूरा हो गया, जो दो त्रिज्या को जोड़ते हैं तो व्यास बनता है, व्यास पूरा क्या होगा, पी क्यू होगा, पी क्यू होगा ना। एक ओ ओ पी है, एक ओ क्यू, ओ क्यू है, जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पी क्यू बनेगा। तो पी क्यू होगा ना ओ पी प्लस ओ पी के बराबर, पी क्यू जो होगा ओ पी प्लस ओ क्यू के बराबर होगा, होगा ना। यहाँ मतलब पी क्यू को ये भी बोल सकते हैं टू ओ पी, बोल सकते हैं ना टू गुने ओ पी, मान लीजिए टू गुने ओ पी, पी क्यू हो गया। पी क्यू आपको क्या है, देख लीजिए पी या क्यू, पी क्यू क्या आपको व्यास है, पी क्यू क्या हो गया व्यास है, ठीक है। तो आपको यही सिद्ध करना था, ये आ गया ना, आपको यही लाना था, देख लीजिए ये जो है लाए हैं, यही आपको सिद्ध करना था, यहाँ देख लीजिए, ठीक है। तो लिख दीजिए यहाँ पे, अतः पी क्यू एक वृत्त का व्यास है, सत्यापित यहाँ पर लिख दीजिए, ठीक है, ये आपका प्रूव हो गया। देख लीजिए, आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।